जानते हैं कि कोरोना काल के बाद एक बार फिर से मार्केट में अलग ही रौनक आई थी। हालांकि धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर लौट रहा था, लेकिन ओमिक्रॉन की दस्तक ने एक बार फिर से अफरा तफरी मचा कर रखी है। तो चलिए हम इस बारे में जानकारी लेते हैं कि क्या ओमिक्रॉन से मार्केट पर कुछ इफेक्ट पड़ता है। अगर लॉकडाउन लगता है तो क्या मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, चलिए जानकारी लेते हैं। आपका नाम? घनश्याम पालीवाल। जी, जैसे कि देश में दस्तक दे चुका है ओमिक्रॉन, हालांकि इसका दिल्ली में काफी केस भी बढ़ रहे हैं, तो अगर लॉकडाउन लगता है तो मार्केट पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? मार्केट के ऊपर असर सबसे पहले तो फर्स्ट लॉकडाउन से ही पड़ा हुआ है और काफ़ी दुकानदारों को इसमें दिक्कतें झेलनी पड़ी है। और जीएसटी के उस लॉकडाउन के बाद में जीएसटी की दिक्कत आ गई। जीएसटी के बाद में तुरंत अभी ये 12% कैंसिल होने के बाद में 5% कैंसिल होने के 5% रही है, और अभी ये उसके बाद में कोरोना की मतलब और तीसरी लहर होने ही दे रही है। तो दिक्कत व्यापारी के कंधों पे बोझ, मतलब एकदम गवर्नमेंट इस हालातों में लोग जी रहे हैं कि गवर्नमेंट से तो परेशान है ही है और कोरोना से और ज्यादा परेशान है। फिलहाल मार्केट कैसा चल रहा है? मार्केट में कामकाज नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ज्यादा एक मंदी के दौर में है और लोगों को इस समय इतनी महंगाई का एक दुकानदारों को खर्चा निकालना भी बहुत भारी पड़ रहा है। इधर किराए की मार पड़ रही है, इधर हर तरह से घर परिवार चलाना भी इस समय मुश्किल है कोरोना काल में। जैसे कि कोरोना की दूसरी वेव के बाद क्या मार्केट में कुछ उभार आया था? कोई विशेष उभार नहीं आया, दीपावली की थोड़ी बहुत गिरावट चली थी, उसके बाद में कामकाज की स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक रही है और अभी जो हालात चल रहे हैं ये और नाजुक हालात चल रहे हैं। फिलहाल मार्केट पर ओमिक्रॉन का कुछ असर देखने को मिल रहा है? बहुत ज्यादा असर दिख रहा है, व्यापारी के अंदर खौफ है, व्यापारी के अंदर डर का माहौल बना हुआ है इस समय। और हालात ऐसे हैं कि हर व्यापारी की जो गांव देहात के जो छोटे कस्बे के कस्टमर है वे बाहर निकल के नहीं आ रहे इस समय, और जो बड़े व्यापारी है वे भी दिसंबर में खरीदारी करने बिल्कुल भी नहीं जा रहे। ऐसे में आप सरकार को क्या राय देना चाहेंगे कि लॉकडाउन लगाना चाहिए या नहीं? हम तो चाहते भी नहीं है कि लॉकडाउन लगे, क्योंकि पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर में व्यापारी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर लॉकडाउन लग गया तो लोगों को घर के हालात खर्चे निकालना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा, इसलिए लॉकडाउन तो सोचना भी नहीं चाहिए और लगाना भी नहीं चाहिए। जैसे कि देश में ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है, हालांकि दिल्ली में इसके काफी केस भी बढ़ रहे हैं और दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन भी लगा दिया गया है, और इसको लेकर सरकार से धारणा जताई गई है कि अगर ज्यादा केस बढ़ते हैं तो यूपी में लॉकडाउन लगेगा। अगर लॉकडाउन लग जाए तो मार्केट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? मार्केट में असर तो बुरा होगा, थोड़ा व्यापार मूल्य पर पड़ जाएगा कि अब तो सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो थोड़ा मार्केट ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। तो पूरा लॉकडाउन लग करके तो एक ही बड़ा की टाइमिंग कर दी जाए पूरे में। फिलहाल मार्केट कैसे चल रहा है? अभी तो स्लो है, थोड़ा जैसे कि साइज बन है, तो साइज 14-15 में साइज स्टार्ट होगा, थोड़ा मार्केट उठेगा, तो हिसाब से बजाय की टाइमिंग कर देनी चाहिए उस हिसाब से। क्या कोरोना काल की दूसरी वेव के बाद मार्केट में कुछ भार आया था? थोड़ा तो था लेकिन इतना नहीं था कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा से साइज स्टार्ट होगा, थोड़ा लगा था काम में चलने जाएगा, लेकिन थोड़ा तो फिर था। तो ऐसे में आप सरकार को क्या राय देना चाहोगे कि सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? संपूर्ण लॉकडाउन तो एकदम बहुत ज़्यादा दिक्कत है देख सकते, लेकिन एक ही बजाय टाइमिंग कर दें और उसको एक वीकली लॉकडाउन कर दें तो ज़्यादा बेटर। फिलहाल क्या ओमिक्रॉन का मार्केट पर कुछ इफेक्ट पड़ रहा है? अभी तो नहीं था ऐसा फिलहाल, बाकी आगे कुछ छुट्टी बढ़ते हैं तो फिर ज़्यादा पड़ेगा। नाइट कर्फ्यू का? नाइट कर्फ्यू तो नॉर्मल है, ऐसा कोई फर्क नहीं उसका। तो जैसे कि हमारे साथ दुकानदार मौजूद थे, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, अगर ज़्यादा केस बढ़ते हैं तो संभावना जताई जा सकती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे हो हाले बाजार।